अंबाला पुलिस पिछले कुछ महीनों से लगातार नशे के नेक्सस को तोड़ने में लगी है, जिसमें पुलिस को लगातार कामयाबी भी मिल रही है। पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में जहां नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, वहीं अब पुलिस के हाथ मुख्य सप्लायर्स तक भी पहुंचने लगे हैं। आज पुलिस ने दिल्ली में रह रहे ड्रग सप्लाई में संलिप्त अफ्रीकन नागरिक एडविन उर्फ टैंको को गिरफ्तार किया है। टैंको को पुलिस ने उन लोगों की बिना पर गिरफ्तार किया है जिन्होंने कबूल किया कि उन तक हेरोइन की सप्लाई अफ्रीकन नागरिक एडविन उर्फ टैंको पहुंचाता है। दरअसल पिछले दिनों पुलिस ने 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया था जिन्होंने पूछताछ में एडविन का नाम उगला, जिसके बाद पुलिस ने एडविन को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया। बताया जा रहा है कि एडविन भारत में बिजनेस वीजा पर आया था और ड्रग सप्लाई का काम कर रहा था। एसपी अंबाला ने कहा कि ये उनके लिए बड़ी कामयाबी है। टैंको अंबाला के कई और लोगों को भी सप्लाई देता है जिन तक भी जल्द पहुंचा जाएगा। वहीं अब पुलिस टैंको का नेक्सस तोड़ने की भी कोशिश कर रही है कि टैंको कहां से ड्रग लाकर सप्लाई कर रहा था। पिछले लगभग 1.5 महीने से अंबाला पुलिस ने खास एनडीपीएस के खिलाफ अभियान चला रखा था, जिसमें हमने भारी मात्रा में कमर्शियल क्वांटिटी के अंदर हेरोइन स्मैक बरामद की। और इसमें जब इसमें फर्दर हमने तफ्तीश की तो उसके सोर्स जो थे वो कॉमन पाए गए, और उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर CIA 2 संदीप इंस्पेक्टर के नेतृत्व में CIA 2 ने जो हमारा मेन सोर्स था, जहां से काफ़ी बड़ी मात्रा में ड्रग्स को स्मगल करके अंबाला के अंदर पहुंचाया जा रहा था, उसको अरेस्ट करने में कल कामयाबी हासिल की। जो एक्यूज्ड है वो मूल रूप से अफ्रीका से संबंध रखता है और वो हाल में दिल्ली के अंदर रह रहा था। इसकी डिटेल्स इस प्रकार से हैं। इसका नाम है एडविन उर्फ टैंको, मोहम्मद एबूबे नोवेंको, सन ऑफ मोहम्मद नोवेंको, जो कि हाउस नंबर 29 दीदियर द्रबा लेआउट अबिद जान आइवरी कोस्ट का रहने वाला है। और ये वर्तमान में संत कबीर मॉडल स्कूल है चंद्र विहार न्यू दिल्ली के अंदर, ये हाल में वहाँ पे रह रहा था। और ये काफ़ी बड़ी मात्रा में इसने अंबाला के जो ड्रग तस्कर थे उनको हेरोइन ये सप्लाई कर रहा था काफ़ी टाइम से। अगर मैं पूरी डिटेल केस टू केस वाइज बताऊं तो हमने सबसे पहले अगस्त के महीने के अंदर हमने 30 अगस्त को एक एक्यूज्ड को राउंड अप किया था, जिसका नाम था कुश, जो कि साहिबजादा जुझार सिंह नगर माछीवाड़ा रोड समराला जिला लुधियाना पंजाब का रहने वाला था। और इससे हमने सदर अंबाला के क्षेत्र के अंदर टोल से हमने इससे 16 ग्राम्स ऑफ हेरोइन हमने रिकवर की थी। और इसके बाद हमने 1 सितंबर को एक गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर राउंड अप की थी पड़ाव क्षेत्र के अंदर, जिससे हमने लगभग 1 किलो हेरोइन बरामद की थी। और इसमें हमने 4 एक्यूज्ड अनवर, राजबीर, अंजलि और रेखा हमने अरेस्ट किए थे। और इस केस के अंदर बल्कि तफ्तीश के दौरान फिर जो फर्दर इसके सप्लायर थे इन चारों के, उसमें सलोचना का नाम आया था और उसको भी गिरफ्तार किया गया था। और साथ ही इसमें बाद में इन्होंने एडविन का डिटेल्स शेयर की थी, जिसके ऊपर काम करते हुए उसको अरेस्ट किया गया। इसके बाद हमने 16 सितंबर को जो हमारी CIA शहजादपुर है, उसने एक आरोपी सुखदेव सिंह सुखा, जो कि सरदेड़ी थाना मुलाने का रहने वाला है, उसको अरेस्ट किया था। और इससे हमने 263 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। इसकी भी तार जो थे इसी एडविन से जुड़े हुए थे। और 21 सितंबर को हमने CIA 2 अंबाला ने 2 व्यक्ति अरेस्ट किए थे, जिनके नाम थे नितिन और अमनदीप, जो कि हीरा नगर अंबाला शहर के रहने वाले थे, और इनसे हमने 60 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। ये सब चारों केस जिनका मैंने आपसे जिक्र किया,
इनके जो मेन सप्लायर था वो ये एडविन टेंको का इसमें ज़िक्र आया था हर तफ्तीश के अंदर, और इसके ऊपर हमारी CIA 2 की टीम काफ़ी टाइम से लगी हुई थी, और उसको इसको हमने कल दिल्ली से इसको अरेस्ट करने में CIA 2 को कामयाबी मिली, और इसका इसको पेश करके हमने कोर्ट में एक दिन का पुलिस रिमांड इसका लिया है, और फर्दर ये हमारा लगभग हम मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो जो बेचने वाले थे वो अरेस्ट हुए, उसके बाद जो लोकल यहाँ पे सप्लायर थे वो बंदे अरेस्ट हुए, ये जो दिल्ली से जहाँ से प्रोक्योरमेंट कर रहे थे तो थर्ड लेयर था ये चेन के अंदर जो अरेस्ट किया गया, और फर्दर ये सामान कहाँ से प्रोक्योर कर रहा था, ये नशे इसके पास कहाँ से आ रहे थे, इसमें डिटेल में इससे पूछताछ होगी ताकि हम इसकी पूरी तह तक पहुँच सकें और इस नशे की समस्या का के ऊपर थोड़ा विराम लगा सकें। इसका जो हमने पता किया है ये यहाँ पे जो इसका वीज़ा था वो इसका एक्सपायर हो रखा है, और इसने उसको रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रखा है लेकिन अभी रिन्यू नहीं हुआ। इंडिया टूरिस्ट वीज़ा पे है या ये टूरिस्ट वीज़ा पे ही है, बिजनेस वीज़ा, बिजनेस वीज़ा के ऊपर है वो, एक बारी हम एग्जैक्टली चेक करेंगे इसका, हम जहाँ पे ये रह रहा था वो जो प्रेमिसेस हैं जो इसके साथी हैं और वो सारी डिटेल्स और सारे कागजात हम अपने कब्ज़े में लेंगे ताकि ये पता लग सके कि इसके साथ और कौन कौन है जो इस प्रकार से गलत दस्तावेज बनाकर यहाँ पे आ रखे हैं, और जो बिज़नेस वीज़ा इन्होंने ले रखा है वो किस आधार पे ले रखा है, इन्होंने कागज़ों में क्या दिखा रखा है, तो वो सारी चीज़ों जो हैं हमारे अनुसंधान का विषय रहेंगी और उस पर हम एक बार अच्छी तरह से गहराई से उसमें जाँच करेंगे। सर,